नमस्कार मु सबिता आपण मानकु मो चैनल रे स्वागत। आज रो वीडियो रे मु आपण संग शेयर करबी नडिया पुरोतिया इडली रो रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करबा पूर्व आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करनियो ता पाखर थिया बेल आइकन को प्रेस करनियो तो जहा द्वारा मो नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परबी। त चालन तो देखि नेबा आज रो रेसिपी। आज मु नडिया पुरोतिया इडली बनेई छी। एई इडली बनेया पई मु एठारे जति कि चावल व्यवहार करि छी तार ठीक अधा परिमाण बिरी यूज कर मापे। जदि आप इडली बैटर प्रस्तुत करती तेज आपण इडली बहुत नरम होता है। प्रथम चाउल और बिरी को 7-8 घंटा पानी में भिजे रखने भिजा होता बिरी और चाउल को गोल यह ग्राइंडर जारे अल्प पानी नहीं बाटिदे यह फुलाई 8 घंटा घोड़ा रखिदे। एवं आम 8 घंटा हो जाए देखो एम बैटर भल भाव फुली जाए। आम ए 2 चमच लुण दे या को भल भाव मिसाई ने आमर बैटर रेडी हो जाए इडली बनवाई। बर्तमान चलत पूर गुड़ को भाजी ने गोटे फाड़े नड़िया को सहित गुड़ को भल भाव मिसाई ने गैस पैन को गरम करवा गोला होता गुड़ और नड़िया मिश्रण को पकाई नि गैस फ्लेम को मीडियम रखत। गुड़ आ नड़िया को भल भाव भाजी हो गला परे हाफ इंच अदा छेचा को ऐड करंतु। यहाँ को 2-3 मिनट कंटिन्यूसली भाजवा परे एथिरे गुजराती और मरीच गुंड को पकईने गैस को ऑफ करने बा और यहाँ को गोटे प्लेट को बाहर करने बा स्टफिंग पाई पूरो आमर रेडी हो गला। तेबे चलंतु वर्तमान इडली बनेबा। गोटे इडली छाँच नेबा एथिरे 2-3 ग्लास पानी दे यहाँ गरम कर इडली स्टैंड रे तेल देकी भल भाव ग्रीस कर 2 मिनट गरम कर जहाद्वारा कि इडली आमर भल भाव स्टैंड रु बाहर आस। देखु स्टैंड आमर गरम हो जाए गोटे गोटे चामच बैटर देदेबा तापर गोटे गोटे चामच पुर दे तापर पुणी बैटर देकी पिठा को कवर कर नेबा। एमती भाव छाँचर सब गुड़ को छाँचर कभर घोड़ाई ने गैस फ्लेम को मीडियम रखिकी 15 मिनट कुक होगा छाड़ीदे। देखु 15 मिनट हो गला 15 मिनट पर देखु आमर इडली पिठा भल भाव सीझी हो जाए। स्टैंड को बाहर करने थंडा होगापर गोटे चामच साहय
ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିନେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଟିଲିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ସେତେବେଳେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଓଷା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ। ରହୁଛି।